अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नई वीडियो में आपका वेलकम करता हूं, एक नई टॉपिक के साथ, एक नई गुड न्यूज़ के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज फिर गुड न्यूज़। तो रोज़ रोज़ गुड न्यूज़ आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बैड न्यूज़ भी होती है मगर गुड न्यूज़ ज़्यादा आ रही है। तो बस बैड न्यूज़ ना हो, कोई गुड न्यूज़ आती रहे इसी तरह, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो गाइस, आजकल जो अभी जो वक्त हो रहा है वो हो रहा है तकरीबन 4:45 का। और अभी मैं आया हूँ मदरसे से, कपड़े वपड़े भी चेंज करने हैं अभी थोड़ी देर में। अभी मैंने बोला पहले व्लॉग बना लेता हूँ, फिर कपड़े वपड़े चेंज करूँगा। और हमारा पतंग उड़ाने का भी सीन हो रहा है, वो भी आपको व्लॉग में दिखा देंगे। ये देखें, ये पतंग का वो दिख रहा होगा, मैं उस छत पे भी कर चढ़ता हूँ अभी, और वहाँ से वो पतंग भी ले आऊँगा। और भाई जो है अभी दो पतंग भी लाया, छोटा भाई लाया कहाँ है, ये रखी हुई दो पतंगे ये हैं, और मांझा वगैरह भी है, तो वो लगा के पतंग उड़ाएंगे। पहले चलते हैं सेटअप में, आपको गुड न्यूज़ देते हैं फिर जाएंगे। वो देखें पहले, इससे पहले वो देखें, वहाँ पे भी पतंग उड़ ली है, इतना अच्छा गुड्डा उड़ रहा है। तो कोशिश करते हैं इसको उतारें और फिर उनसे पेच लगवाएं। तो यहाँ आए हैं हम सेटअप पे। आज मैं सेटअप पे आया था तो मम्मा ने कपड़ा वपड़ा हटा दिया था मम्मा ने, ताकि हवा हवा लगे। और आज फिर मौसम वैसा ही ठंडा हो गया जैसा चल रहा था पिछले हफ्ते, दो तीन दिन से जो थी ठंडक वो नहीं थी, मगर अब फिर वही वाला मौसम हो गया। तो गाइस, आज की जो गुड न्यूज़ है वो है इधर इस कॉलोनी में जो हमारा ब्लू पियर बैठा हुआ था, इन्होंने माशाल्लाह बच्चा निकाल दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बच्चा इनका हो गया, और इनका देख लेते हैं दो से तीन हुए बच्चे या नहीं, क्या प्रोग्रेस है। हट जाओ थोड़ा साइड है, ऐसा अभी तक तो दो ही बच्चे हैं, अभी कोई सिचुएशन सिचुएशन नहीं है कोई, अभी कुछ भी नहीं है। तो चलो खैर, इनके दो हैं, इसने माशाल्लाह एक निकाल दिया, इसका भी आपको कल दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने कल छेड़ा था इनको, तो बहुत डिस्टर्ब हुए थे ये लोग, तो मैं कल दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और अभी पतंग उड़ाते हैं, कपड़े वपड़े बदलता हूँ, पतंग वतंग आपको दिखाता हूँ, एंड फिर मिलते हैं। इधर का भी बच्चा दिखा देंगे आपको, बस अब ये वाला प्यार रह गया आखिरी, ये भी ब्रीड कर दे तो, मतलब ये भी बच्चे हैच कर ले तो सबकी ब्रीड मेरे पास सक्सेसफुल हो जाएगी फाइनली, बच्चे बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो गाइस अभी तो चलता हूँ, कपड़े वपड़े बदलता हूँ, और पतंग वतंग उड़ाने का जो सीन है वो दिखते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई अभी पतंगबाजी भी हो चुकी है, हाथ वात देख सकते हैं, हाथ भी मेरा कट गया, ये देखें हाथ वात भी कट गया, छिल गया है हल्का फुल्का। पतंगबाजी भी हो चुकी है, अभी दो दो जगह से कटा हुई, एक जगह से भी नहीं। और जो मेरी पतंग थी, मैंने पेचा लगाया, पहला मैंने पेचा काट दिया था, दूसरा पेचा तो उन्होंने पकड़ के उन्होंने भी खींची और हमने भी खींची, मेरी पतंग मेरे पास आ गई, उनकी वो सामने तक गई तार में, वो देखें बहुत टिकी हुई है, वो देखें ये हमारे पास पिंक वाली पतंग थी। और भी पड़ी जो आपको दिखाई थी ना, उसकी दुम ब्लैक थी, वो एक थी दो ये थी, ये पड़ी हुई। तो देखें बच्चे उतार रहे हैं, हमारी हमारे पास आ गई थी, बच्चे उतार रहे हैं, तो हमारी हमारे पास आ गई थी पतंग, तो मैंने इनको इनको दे दी। मैंने बोला 20-30 रुपये की पतंग है, मेरे पास मांझा पूरा आ गया था मेरा, तो मैंने बोला भाई तुम ले लो, मेरे को तो अब उड़ानी नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो अभी हम आ गए सेटअप पे। तो गाइस मैं एक बात ये भी सोच रहा हूँ कि एक दो तीन चार जो जितने भी प्यार हैं हमारे पास ऑस्ट्रेलियन के ब्रीडिंग पे बैठे हुए थे, इन्होंने बच्चे निकाल दिए, इनके बच्चे फॉस्टर करने का, अगर उसके तीन में अंडे हैं, तीनों के तीनों में से अगर बच्चे निकल गए अल्लाह ने चाहा, तो पांच बच्चे उसके पास हो गए, तीन इसके पास, तीन चार अंडे इसके पास हैं, तो फॉस्टर कर देंगे। मगर जिसके पास कम अंडे हैं उसके बच्चे सबसे बड़े हो गए हैं, तो फॉस्टर करने का उधर तो कोई वो मकसद नहीं है, तो तीन ये हैं, इनमें फॉस्टरिंग देखूँगा मैं, इन तीनों के हांडियाँ निकाल के या बच्चे बच्चे निकाल के इनमें से फॉस्टरिंग कर दूँगा। तो देखते हैं आप, क्योंकि फिर एक बच्चा सही नहीं पल पाता, एक सही पल जाता है तो एक सही नहीं पल पाता। आपको इधर का भी दिखाई देते हैं, माशाल्लाह इसके भी वाइट कलर के वो आ रहे हैं, पर जी भाई ये बच्चों में बैठी हुई थोड़ा सा तो हट गया भाई, भाई हटने का तो नाम ही नहीं ले रही, हट गया। ये रूमर, ये तो दो इसके नीचे हैं हमारे, ये टाइसन और टाइनी भी हैं, और यहाँ पे वो
हीटिंग बल्ब का भी आपको बोला था जिससे कि मैं हटा दूंगा, और जिसका भी जुम्मे का आप लोगों को अपडेट दी हुई थी। तो गाइस हमने जो है सोचा है कि नकली जो वो आते हैं तोते वगैरह अपने सेटअप को सजाने के लिए, वो भी हम इधर यूज़ करेंगे। देखें गाइस ऐसा हमारा सेटअप अभी दिखता है, ये है बिफ़ोर एंड फिर बाद में हम आपको आफ्टर भी दिखाएंगे। हो सकता है सिर्फ मैं ये वाला हटाऊँ, ये वाली जो चादर है और ये पलंग वलंग भी हट जाएँ, हो सकता है ये वाली भी हट जाए साइड वाली भी, तो वो देखेंगे वो क्या होगा। सारी तो हटाने का दिल नहीं कर रहा, थोड़ा सा हटाने का दिल कर, मतलब थोड़ा सा हटाने का बोल रहा है कि तो भाई थोड़े से हटा दो। ये देखिए बच्चे पतंगे पीछे पागल हैं भाई, कहाँ कहाँ से लंगर मार रहे हैं घरों से उनके। देखें भाई भाई साहब कैसे कैसे बच्चे हैं यार। चलो खैर अभी सूरज भी ढल चुका है, तो आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक था। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलेंगे कल एक इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और गाइस दो अगले से अगले ब्लॉग में हम फेस टू फेस वीडियो बनाया करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।